पेश है आपके लिए बुर्ज खलीफा के 124 फ्लोर से। यहाँ से हाथ बाहर निकालते हैं, उंगलियाँ हमारी 124 फ्लोर के बाहर हैं। वाओ वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का दिन ना बड़ा स्पेशल होने लगा है, और आज मुझे दुबई में पांचवा दिन है, और आज डेट है 24 अक्टूबर, और टाइम 11:10 हो रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं दुबई मॉल की तरफ, और दुबई मॉल से हमने जाना है बुर्ज खलीफा, क्योंकि दुबई आओ और बुर्ज खलीफा ना जाओ ऐसा हो सकता है। मामू मेरे साथ ही पीछे पीछे आ रहे हैं मोबाइल में, उसे पता नहीं क्या कर रहे हैं। मामू क्या कह रहे हो यार? मैसेज कर रहा हूँ टिकट तो हमारे बुक हो गए 11:30 के हैं, तो अभी तकरीबन 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट बाकी हैं। तो अब वॉक हो रही है दुबई मॉल से, जाएंगे हम बुर्ज खलीफा। ये रहा बुर्ज खलीफा, ये टिकट है बुर्ज खलीफा का, ये टिकट आ गया। एक तो ये दुबई मॉल इतना बड़ा है कि यहाँ पे घूम घूम के पता ही नहीं चलता कि जाना किधर है, और घूमते रहो बस। लोअर ग्राउंड दुबई फाउंटेन वगैरह। चलो भाई यार, मुझे किधर छोड़ के जा रहे मामू जी? चार्ली मामू चार्ली। ये क्या स्टंट कर रहे हैं? जीप हो गई, पुट्ठे सीधे छलांगे। 11:30 होने में सिर्फ 1 मिनट रह गया, और अभी तक हम घूम रहे हैं दुबई मॉल। हमें वे ही नहीं मिल रहा कि हम बाहर कहाँ से निकले यार, समझ ही लग रही इतना बड़ा मॉल। मामू की स्पीड है चक्कर। मामू भाग दोबारा। फाइनली आ गए बुर्ज खलीफा की इंट्रेस्ट। हैशटैग टच द स्काई। हम जिधर भी जाए ना, हमें लाइन में जरूर लगना पड़ता है। ये आगे टिकट्स एट द टॉप के बुर्ज खलीफा फाइनली। ओके हो गई। मेरे बैग में गोप्रो की बैटरीज और चार्जर वगैरह पड़े थे, तो बैग शैग सब कुछ खुलवा के ना सब कुछ चेक कर लिए। ये मॉडल बुर्ज खलीफा का, और क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, इसको भी रंगीला बना दिया है। आज हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट एलिवेटर से वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग के टॉप पर जाएंगे, और यहाँ पर आगे कंस्ट्रक्शन 2004 की, और यहाँ पे 2005 में कंस्ट्रक्शन ऐसी थी, 2006 में बुर्ज खलीफा ऐसा हो गया। कहाँ पे है भाई, दिखा दे ऐसा। और 2007 में बुर्ज खलीफा इतना बन चुका था, और बुर्ज खलीफा 7 में भी इतना ही था 2007 में, और 2008 में काफ़ी ज़्यादा 160 लेवल तक पहुंच गया था 2008 में, 2009 में आलमोस्ट कंप्लीट होने लगा था। कितना तेज से घूम रहे, जब बंदा रुका तो ये खुद ही धक्का देगा। ये है वर्ल्ड की फास्टेस्ट एलिवेटर, और इसकी स्पीड चेक करो, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ये 39 फ्लोर तक पहुंच गया वो स्पीड लेवल। 60 सेकंड्स के अंदर ये 1 to 124 फ्लोर तक पहुंच जाती है, इतनी ज़्यादा ये फास्टेस्ट है। अब ये वापस आ गया, 60 सेकंड्स के अंदर अंदर ये नीचे आ जाएगी। 3, 2, 1 आ गए। चल आ जा भाई, आ जाओ आ जाओ। लाइटें मस्त है, वो खैर रंगली बढ़िया तो चल पड़ी है। आगे 124 फ्लोर आगे हम जाएंगे बालकनी। मामू मामू मामू। लेडीज एंड जेंटलमैन, लड़कों और लड़कियों, पेश है आपके लिए बुर्ज खलीफा के 124 फ्लोर से मस्त वाला व्यू। चेक करो यार लेवल, छोटी छोटी बिल्डिंग्स। आज हम आसमानों की बुलंदियों को छू रहे हैं बुर्ज खलीफा से।
और ये नीचे शेडो आ रहा है बुर्ज खलीफा का, और ये नीचे रोड पिद्दी पिद्दी गाड़ियां लग रही हैं छोटी छोटी, और ये नीचे पार्किंग है, और वो रहा समंदर, समंदर ही समंदर। दुबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बिल्कुल पिद्दी पिद्दी लग रही है इतनी सी। हाँ यार बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। नीचे नहीं गिर जाना। नहीं नहीं बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा बहुत लेवल व्यू है यार, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे ना इतना टिकट इतना कॉस्टली नहीं है, ठीक है, सिर्फ 160 दिरहम का मिल रहा है, ठीक है। ये गाड़ियाँ देखो बिल्कुल छोटी छोटी चुनटी के साइज की हैं यार, बिल्कुल पिद्दी पिद्दी, और बिल्डिंग्स भी इतनी पिद्दी पिद्दी हैं। अभी हम 124 फ्लोर पे हैं और इस बिल्डिंग के 148 फ्लोर तक जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। 148 वो वहाँ पे है, तो इतना फर्क तो नहीं पड़ता, इसलिए हम 124 और 125 बस हमारी टिकट इतनी है। कोलगेट वो देखा रहा है छोटा सा। वो रहा छोटा सा दुबई फ्रेम यार, यहाँ से कोई नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा लगता है ही कुछ नहीं, इतना बड़ा तो नहीं। यहाँ से हाथ बाहर निकालते हैं, उंगलियाँ हमारी 124 फ्लोर के बाहर हैं। वाह नहीं क्या चाहता है सर, मैं तो क्या चाहते हो। द कैफे एट 124 फ्लोर, और क्या व्यू। अभी हम बालकनी से अंदर आ गए और यहाँ से सही व्यू है यार, बालकनी पे वैसे ही हम टाइम वेस्ट कर रहे थे धूप में, यहाँ पे मस्त क्लियर नज़र आ रहा है आज। फॉगी नहीं है ना, ये अच्छी बात है, वरना अगर फॉगी होता तो कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आता। बिल्डिंग के टॉप पर स्विमिंग पूल भी है, मस्त गर्मी में नहा रहे हैं। ठीक है ना, लेके पाकिस्तान चले जाइएगा, बैग डाल लेना। ठीक हो गया सर, रुक जा, तोड़ के ना चले जाए भाई, ये ना हो के पैसे दे दो लाख रुपए दे रहा। ये छोटी सी शॉपिंग प्लेस जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें, छोटी सी कप्पी इतनी सी है, और जो कि 25 दिरहम। इधर भी लगी हुई है दूरबीन, ब्रूम ब्रूम, बेफजूल सी चीज है, समझ ही नहीं है। पर देखो ए बड़ी फिल्म है यार, बच्चा अभी बहुत बड़ा धोखा हो गया, मेरे कंटेनर में गोल्ड बार रखे हैं, लेकिन ये डब्बियां हैं, खाली डब्बियां गोल्ड की। सारा इसको गिफ्ट कर रहा हूं, ये सारा आपको मैं गिफ्ट कर रहा हूं, खाली डब्बियां हैं। मामू क्या कह रहे यार, ओरिजिनल आप हाथ लगा के, खाली डब्बियां हैं यार, ओरिजिनल है यार, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। ये देखा टक टक की बात नहीं है, एक एनी ना देना ने उठा के भाई, यार क्या हो गया, डब्बियां नहीं गोल्ड हो गई। तो ये देखो, अच्छा यार ये लो, ये ले लो, ये ले, ये देखो, ये देखो, ये ले, अच्छा ये तो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है ना, हमने जो यहाँ पे हरकतें की है ना, हम पाकिस्तानी जहाँ जाएंगे ना शुगर में ले डालेंगे। अच्छे सारे हमें देख रहे थे, कहते हैं किधर से आ गया तू जंगली। हमने जो यहाँ पे हरकतें की है ना यार, बता नहीं यहाँ पे एक्टर नहीं था, वो पिक्चर ले रहा था, फोटो शूट कर रहा था लोगों का, और उसकी हमने ऐसे आग कराई है कि सारे हमें देख के हंसने लगे, उसको भी देख नहीं रहा था, उसे भूल ही गया। और यहाँ पे आके हमने अपने पैसे पूरे कर दिए जो दिए थे, और बस ओके बाय बाय बुर्ज खलीफा व्यू। बहुत मजे का व्यू था यार, लेवल हो गया। अभी वापस लाइन में आ गए हैं, यहाँ से वो रही एलिवेटर। यहाँ पे आने के बाद ना एक अलग ही किस्म की मोटिवेशन मिलती है कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। इन्होंने सहरा पे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग बना के खड़ी कर दिया, और अभी अभी कौन सी बड़ी बना रहे हैं, 203 बना रहे हैं, क्रीक ना, अभी क्रीक बिल्डिंग बना रहे हैं, बुर्ज खलीफा से भी बड़ी।
यहाँ रात को फाउंटेन डांस होता है, और ये रहा दुबई मॉल, बहुत बड़ा मॉल है यार। वापिस आ गए ग्राउंड फ्लोर पर। मामू कैसा एक्सपीरियंस था? यार बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, मस्त एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। और तकरीबन दो घंटे हमें पता ही नहीं चला किस तरह गुजर गया, मस्त वाले फोटो बनाए हैं और यहाँ उससे पंगेबाजी भी की। ये बुर्ज खलीफा के मॉडल्स वहाँ से यहाँ से सब, फिर यहाँ पर आकर बुर्ज खलीफा कम्प्लीट हो गया था। सो गाइस, इस वाले व्लॉग में सिर्फ इतने ही। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपने मेरी दुबई वाली प्लेलिस्ट देखनी है तो यहाँ क्लिक करो, और अगर रीसेंट व्लॉग देखना है तो यहाँ ऊपर क्लिक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बी हैप्पी, किस्मत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।